एक स्वयंभू बाबा जिसके अलग अलग राज्यों में करीब 25 आश्रम हैं और अकूट संपत्ति संभालने वाले ट्रस्ट जो कि लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है, जिसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी, वो बाबा जो दान ना लेने का दावा करता है फिर भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। कैसे, कहां से आता है बाबा के पास पैसा, कौन सा अलादीन का चिराग उसके हाथ लग गया जिससे नोटों की बारिश होती चली गई, चलिए पूरी कहानी को इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य का सच क्या है? नहीं लेता था दान, ट्रस्ट ही सोने की खदान। सौ करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलिशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शान और शौकत भोले बाबा का, उस बाबा की जो दावा करता है कि एक पैसा भी दान नहीं लेता। सवाल यहीं से उठता है कि जब दान नहीं लेता तो करोड़ों का साम्राज्य कैसे? अरे परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक, अगर संस्कार न हो तो आपका मुमकिन। आज हम आपको बाबा की सोने की खान में लेकर चलेंगे, पड़ताल करेंगे उस पहलू की जिसके लिए इस तरह के पाखंडी धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा चलाते हैं। हम अपनी पड़ताल में बाबा के काले साम्राज्य के सच को समझाने की कोशिश करेंगे, दर्जनों आश्रम की कहानी बताएंगे, हर आश्रम के नाम पर बने ट्रस्ट की कहानी बताएंगे, बाबा के सोने की खदान में दान करने वाले दानवीरों की लिस्ट बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन काले को सफेद करने वाले राज से भी पर्दा उठाएंगे। हमने जब बाबा के काले साम्राज्य की पड़ताल शुरू की तो सबसे पहली कड़ी यानी इनकम का सोर्स उसके आश्रम ही नजर आए। यूपी सहित कई राज्यों में बाबा के कुल 25 आश्रम, हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है, हर ट्रस्ट में अलग अलग दान आते हैं, ट्रस्ट में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं, आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाले लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं? बाबा के खेल के दो पहलू, एक आश्रम और ट्रस्ट, दूसरा सत्संग। आश्रम में कोई भी दान कर सकता है, जबकि सत्संग में सिर्फ हम कमेटी के जरिए ही खर्च का पैसा जुटाया जाता था। यहीं से हम कमेटी का खेल शुरू हो जाता है। मान लो आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता था, फिर हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम तक का जिम्मा संभालती थी। अब जरा हम कमेटी के रोल को समझते हैं। एक हम कमेटी में 80 से 90 लोग होते हैं। हम कमेटी के पास दो काम होते, पहला सत्संग के लिए फंड जुटाना, दूसरा सत्संग का प्रचार और इंतजाम। यह हम कमेटी सीधे बाबा के संपर्क में होती, लेकिन यहां से सवाल उठता है कि हम कमेटी के पास पैसा कहां से आता है? हम कमेटी में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। कमेटी के यही लोग सत्संग का पैसा लगाते हैं, पैसे समाज के कारोबारी और बड़े लोग देते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा खेल होता है, हम कमेटी के जरिए जो पैसा सत्संग के नाम पर खर्च किया जाता है क्या वो एक नंबर का होता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं।
स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं। वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्त दान का ऑप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्त दान बाबा के लिए सोने की खदान है। दावा किया जा रहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम, यह आश्रम 20 एकड़ में फैला है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में ये जमीन बाबा को दान में दी, जिस पर सूरज पाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया के नाम से बाबा सूरज पाल का एक आलीशान आश्रम। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरज पाल यहाँ नहीं आए। कासगढ़ में 30 बीघे में सूरज पाल का आश्रम है, जहाँ से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी के बिछवा में 20 बीघे में विश्व साकार हरि का आश्रम। यह आश्रम 5-स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का VVIP व्यवस्थाओं से लैस आश्रम। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट और दूसरी तरफ हम कमेटी। बाबा की कमेटी का खेल समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पहले एक इंजीनियर था। भला एक इंजीनियर की तनख्वाह कितनी रही होगी जिसके आधार पर उसने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए बाबा का सारा खेल उजागर हो जाएगा। बाबा की कमेटी का खेल समझने का सबसे अच्छा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पहले जूनियर इंजीनियर थे। भला एक इंजीनियर की कितनी तनख्वाह रही होगी जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको बाबा का खेल समझ आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बाबा खुद को प्रलय का देवता कहता के कि जब चाहे प्रलय ला सकता है, वो प्रलय लाया भी। 121 जिंदगियां लील गया और उसके फरेब भी सामने आए। उसके पाखंड की कहानियों से हाथरस, मैनपुरी, एटा की गलियां अब भरी पड़ी हैं। पाखंडी बाबा का बिजली गिराने वाला इंद्रजाल, प्रलय लाने का दावा, प्रलय लाया भी बाबा। स्वयंभू बाबा का हैंडपंप वाला प्रसाद, डिजाइनर बाबा की सन कर देने वाली सनक, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेट भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेट भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयासरत हुआ हूँ। बहुत बड़ा पाखंडी और घनघोर अंधविश्वासी जमात का सरदार बनता दिख रहा है। अंधविश्वास की पट्टी अब भक्तों की आंखों से उतरने लगी है। जिस बाबा को लोग पूछते थे, आज चप्पलें पड़ने वाली है। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव के पैरों की धूल, हर मर्ज की दवा। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव के चरणों की धूल से पेट दर्द का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव धूल से करता था पाइल्स का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव धूल से जोड़ता था टूटी पसलियां। भक्तों का दावा, मंगलवार को सूरजपाल जाटव के पैरों की धूल से होता है चमत्कार। लगाते हैं लगानवारे, चलते हैं तो धूल लगा लेता।
उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, दवाई लगाते हैं, जैसे घोटन में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द हो तो अपन लगा लेते हैं, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। चार महीना भाई हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो जी पसरिया भी टूट गई, अभी चार महीने चोट लगी, हम छः महीना पट्टी बांधे रही अब, और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है, कोई बार बांकू ना बिगड़ो। दिक्कत वगैरह बीमारी वगैरह होती है तो मतलब उससे लगाने से या उसका पानी पीने से, हाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ड्रामेबाज डिजाइनर सूट फूट धारी बाल जाटव के हाईटेक छलावे में आकर उसके भक्त चरणों की धूल फांकते हैं और उसके आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी को अमृत जल समझ पीते हैं। ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जो अपने मन सच्चे भाव से यहाँ लोग आते हैं उनको श्रद्धा जल से वो ठीक होते हैं, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। सूरजपाल जाटव के लिए उसके भक्त आरती भी गाते हैं, ये सूरजपाल जाटव के लिए लिखी गई आरती है। उसका महिमा मंडन ऐसे किया गया है कि देवों के भी देव हैं, लेकिन निजी जिंदगी में सूरजपाल जाटव के ऐब ऐसे हैं जिसे जानकर उसके भक्तों की जमीन हिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है, इतना ही नहीं बाबा सिगरेट और शराब का नशेड़ी है। रंजीत सिंह ने दावा किया है कि सूरजपाल जाटव ने ज्यादातर आश्रम में अवैध निर्माण करा रखा है। सूरजपाल के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो उसने दूसरों के नाम से खरीद रखी हैं। रंजीत सिंह दावा करते हैं कि बाबा सूरजपाल जाटव के आश्रम की बसें भी दूसरों के नाम पर ली गई हैं। यानी टोटल फर्जीवाड़ा। सूरजपाल जाटव ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है। आस्था का बाजार सजाकर सूरजपाल जाटव ने अकूत दौलत जुटा रखी है। जाहिर है इस दौलत की निगरानी के लिए और अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए सूरजपाल को सेना की भी जरूरत है, तो इस पाखंडी बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है। सूरजपाल की सिक्योरिटी फोर्स के लिए सीक्रेट कोड वर्ड से चलती है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक कहा जाता है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांट कर रखा जाता है। जैसे ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं, गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थी। इनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी इसे राजस्थान के दौसा आश्रम में मिले एडमिशन फॉर्म से समझा जा सकता है। ये हर्षवर्धन का बड़ा घर है यहाँ पर, जहाँ पर दरबार लगता था, और आप देखिए कि जगह जगह पर कुछ कागज भी बिखरे पड़े हैं, वो देखते हैं वो क्या है। आप देखिए कि ये कुछ पेपर इस तरीके से बिखरे पड़े हैं, हाँ ये देखिए कि ये किस तरीके से ये प्रवेश ये फॉर्म थे जो इसमें दरबार में शामिल होने आती थी महिलाएं उनसे भराया जाता था। लेकिन सूरजपाल इतनी पुख्ता सिक्योरिटी में क्यों रहता था? क्या सूरजपाल जाटव को कोई खौफ खाया जा रहा था? सच में सूरजपाल को मालूम था कि एक ना एक दिन उसकी पोल खुलेगी, क्योंकि उसकी कारस्तानियों की कहानी सुनाने वालों की भरमार है। सूरजपाल के बगल के गांव में ही उसकी हकीकत सुनाने वाले मौजूद हैं। 1000 लोगों के इस गांव में सूरजपाल जाटव का एक भी भक्त नहीं है। वजह